मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी एट योर होम। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस इज चैप्टर फ्रॉम योर हिस्ट्री। एज यू नो दैट हियर वी आर स्टडिंग अबाउट नेशनल मूवमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कंप्लीट नेशनल मूवमेंट के बारे में, नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस चैप्टर इज फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री से रह गए चैप्टर। वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट दी ऑल इंसिडेंट्स डेट वाइज। हम लोग यहां पर इंसिडेंट्स की बात करेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहला मन में हमारे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है क्या? राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ लव एंड डिवोशन टुवर्ड अवर नेशन। यानी कि जो राष्ट्रवाद है वो हमारे मन में प्रेम और श्रद्धा भाव है अपने देश के प्रति। एज यू नो दैट वी लव अवर कंट्री, दैट फीलिंग इज कॉल्ड नेशनलिज्म। हमारे मन में जो अपने देश के प्रति जो प्रेम भाव होता है उसी को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। बात आती है इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। क्या लोगों के मन में प्रेम भाव नहीं था? क्या लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते थे? क्या नेशनलिज्म की शुरुआत, अगर हम बात करें यहाँ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें, 1915 से ही शुरुआत की? ऐसा नहीं था। एज यू नो दैट इन एंशियंट टाइम इंडिया इज कॉल्ड गोल्डन बर्ड्स के नाम से जाना जाता था इंडिया को। और ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेडर दैट हैव टू बी अट्रैक्टेड फॉर फॉरेन ट्रेड। इन दिस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ब्रिटिश ट्रेडर्स आल्सो केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर। लेकिन वो ट्रेडर के रूप में भारत आए, ट्रेडर से वो रूलर कैसे बने, किस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया? एज यू नो दैट इन एंशियंट इंडिया जो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद, ऐसा कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंप्लीटली रूल हो चुका था ऑल ओवर द इंडिया, मोस्टली पार्ट्स के ऊपर। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रूल किया, उन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा, लोगों को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो इंडियंस के प्रति फेवरेबल नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में इंडियन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म इन इंडिया ये जो मूवमेंट चला हमारा, जहां पर हम लोग बात करेंगे यहां पर नेशनल मूवमेंट के बारे में, जो नेशनल मूवमेंट चला उसका एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस रहा। और किस तरीके से हमें इंडिपेंडेंट मिली, किस तरीके से हमें ब्रिटिशर से छुटकारा मिला, इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पर मैं आपको डेट सीक्वेंस के हिसाब से कंप्लीट नेशनल मूवमेंट के बारे में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू डेट। अगर हम जनरली बात करें नेशनल मूवमेंट की, यहां पर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें, इट वॉज बिगनिंग इन 1885 में इसकी शुरुआत हम लोग मानते हैं विद द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन की गई थी, फाउंडेशन किसने की थी? ए ओ ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन की गई थी 1885 से। आज भी इस पार्टी को हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, INC के नाम से जानते हैं। जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो कंप्लीट रूप से INC के द्वारा, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लेड किया गया था ऑन दी अर्ज ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कहीं ना कहीं हम लोग गांधी जी की फिलोसफी के बारे में भी यहां पर स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो 1885 से ही हमारा नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। दैट वॉज दी फर्स्ट फेज ऑफ दी नेशनल मूवमेंट वेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय ए ओ ह्यूम। एक ब्रिटिश अधिकारी था ए ओ ह्यूम, उसके द्वारा इसकी फाउंडेशन की गई। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, भाई अंग्रेज अधिकारी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन क्यों की? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट दी पॉलिसीज ऑफ द इंडियन और वट एटीट्यूड ऑफ इंडियन पीपल टुवार्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि ये जानना चाहते थे ब्रिटिशर कि इंडियन पीपल कैसी सोच रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। इनका कोई पर्पज नहीं था लोगों को राजनीतिक अधिकार देना या उनमें जागरूकता लाना, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन इसलिए की सिर्फ ताकि वो लोगों के जो व्यूज हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की खामियां लोग निकालते हैं उनके बारे में जान सकें और लंबे समय तक इंडिया में रूल कर सके। इसलिए उन्होंने INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन रखी थी, और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हमारे नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करती है। और कहीं ना कहीं हमारे नेशनल मूवमेंट का जो नेतृत्व किया गया वो भी INC के द्वारा किया गया। एंड द सेकेंड स्टेप इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन, सबसे बड़ा मूवमेंट इसी को माना जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया 1905 में। दिस क्वेश्चन हैव टू बी आल्सो पुट इन
मेनी एग्जाम्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, बंगाल का जो विभाजन हुआ, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट। बंगाल का जो पार्टीशन था, बंगाल के पार्टीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीटली यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि बंगाल के पार्टीशन के बाद यानी कि जो नेशनल मूवमेंट है उसको बहुत ज्यादा बूस्टअप मिला और काफी सारा जो प्रयास था ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन टारगेट यही था कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाए और जो नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था कहीं ना कहीं उसको वीक कर दिया जाए। यू कैन से दैट इज द सेकंड फेज ऑफ अवर नेशनल मूवमेंट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन इसने किया, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने किया। अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर की, जहां से आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं। इन 1915 ए मसीहा ने महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कहते कि एक मसीहा आए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापिस लौटकर इंडिया में, नेम महात्मा गांधी जी, जिनका नाम महात्मा गांधी जी था। यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है विद द बिगनिंग ऑफ 1915, 1915 की जो घटना हम शुरू करते हैं। गांधी जी कहां से लौट कर आए, साउथ अफ्रीका से। एज यू नो दैट महात्मा गांधी इज आल्सो अवर फादर नेशन, नेशन फादर के नाम से इनको जाना जाता है और महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी जी का जब भी नाम आया नेशनल मूवमेंट में तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती थी, लोग मसीहा कहते थे उनको, क्योंकि ऐसा कहते थे कि महात्मा गांधी जी ही हमारे लिए आजादी लेकर आएंगे, उन्हें मसीहा कहा गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब 1915 में, तो यहीं से शुरुआत होती है। गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट लड़ा तो उसने दो वेपन यूज किए, द फर्स्ट इज नॉन वायलेंस, द सेकंड इज ट्रूथ, सत्य और अहिंसा। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। तो 1915 का जो मूवमेंट शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा, उसकी शुरुआत अगर हम करें तो 1915 से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए। पहले तो गांधी जी ने अपने जो दो वेपन्स हैं सत्य और अहिंसा, इनका अगर हम एक्सपेरिमेंट कहें तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। अब साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो उन्होंने वहां क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो व्हाइट पीपल है और जो ब्लैक पीपल है, दो कम्युनिटी रहती थी वहां पर, व्हाइट और ब्लैक, यानी कि जो व्हाइट पीपल है वो ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। गांधी जी ने आवाज उठाई इस पॉलिसी के प्रति, यू कैन से दिस पॉलिसी इज कॉल्ड अपार्टाइड पॉलिसी, कलर डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, रंग भेद की नीति। तो गांधी जी ने सबसे पहले अपने सत्य और अहिंसा का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया, लेकिन वहां से जब 1915 में भारत लौट कर आए तो महात्मा गांधी जी ने कंप्लीट देखा कि किस तरह से आज भारत के हालात हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में गांधी जी 1915 में एक मसीहा बनकर, और उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक मूवमेंट चलाए और ये मूवमेंट नेशनल मूवमेंट के नाम से जाने गए। लेट्स कंटिन्यू The role of Mahatma Gandhi ji in national movement. This chapter also completely based on the philosophy of Mahatma Gandhi ji. All these movements that were led by Mahatma Gandhi ji, in this chapter we have to be discussion about this. So 1915. आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1915 के बाद 1916 गांधी जी आए। 1916 में गांधी जी started चंपारण peasants movement. चंपारण इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, peasants movement. एक peasants movement था ये, किसान आंदोलन था चंपारण, पीजेंट्स मूवमेंट, पीजेंट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा था चंपारण में, शेयर क्रॉपिंग कराई जाती थी उनसे, कहीं ना कहीं पीजेंट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड इंडिगो मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम लोग अगर बात करें इंडिगो मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इंडिगो मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स टू द पीजेंट्स ऑफ चंपारण टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो ग्रोन करने के लिए फोर्स किया गया, लोगों ने इंडिगो ग्रोन की, नील की खेती की, लेकिन जब नील तैयार हो जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको परचेज करने से मना कर देती है। ऐसी कंडीशंस में चंपारण के पीजेंट्स के अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था, इसी मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं चंपारण पीजेंट्स मूवमेंट। दिस प्लेस हैव आल्सो मेंशन इन मैपवर्क, मैपवर्क में भी काम आता है यहाँ पर चंपारण, चंपारण कहाँ पर है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, तो वहां पर चला है मूवमेंट और गांधी जी को इस मूवमेंट में सफलता मिली और यही से हम लोग मानते हैं दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी जी लाइफ, महात्मा गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है इस मूवमेंट को, क्योंकि जब शुरुआत होती है और शुरुआत में यदि हमें सफलता मिल जाती है तो उसके बाद तय हो जाता है हमें आगे भी सफलताएं मिलेगी। और 1916 में गांधी जी ने चंपारण के प्रेजेंट्स को उनका अधिकार दिलाया, उनको एक्सप्लोटेशन से बचाया, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट, चंपारण प्रेजेंट्स मूवमेंट, चंपारण प्रेजेंट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट 1916 के बाद हम 1917 में जाते हैं, आप लोग नोट करेंगे यहाँ पर वी आर स्टडिंग अबाउट, बिकॉज हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट और यू कैन से स्टडी ऑफ डेट्स,
तिथियों का अध्ययन करना, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेट्स, डेट्स का अध्ययन करना। तो हम डेट वाइज आगे चल रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में, 1916 के बाद 1917 में खेड़ा पीजेंट्स मूवमेंट, खेड़ा, खेड़ा कहां पर है, गुजरात, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, गुजरात में है खेड़ा पीजेंट्स मूवमेंट, ये भी पीजेंट्स मूवमेंट था, ग्रीक किसानों का आंदोलन था, खेड़ा पीजेंट्स मूवमेंट। इन मैनी पार्ट्स इन 1916-1917 मैनी पार्ट्स ऑफ गुजरात देयर इज आल्सो क्रॉप फेलियर, बहुत सारे पार्ट ऐसे भी गुजरात के जहां पर क्रॉप फेलियर हुई, क्रॉप फेलियर हुई तो जाहिर सी बात थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसानों को बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। इन दिस कंडीशन दे कुड नॉट पे देयर टैक्स, दे हैव टू बी डिमांडेड सम रिलैक्सेशन, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेफ्यूज, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इन दिस कंडीशन इन 1917 महात्मा गांधी जी स्टार्टेड ए मूवमेंट, दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज खेड़ा पीजेंट्स मूवमेंट, और खेड़ा पीजेंट्स मूवमेंट के नाम से जाना गया। खेड़ा इज आल्सो पुट इन मैप वर्क, दैट इज वन मार्क क्वेश्चन, खेड़ा इज आल्सो इन गुजरात, गुजरात में, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट बोथ आर द पीजेंट्स मूवमेंट, चंपारण पीजेंट्स मूवमेंट एंड खेड़ा पीजेंट्स मूवमेंट। एंड 1916 के बाद हम चलते हैं 1917 के बाद हम चलते हैं 1918 की ओर, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर मूवमेंट। ये कॉटन मिल वर्कर मूवमेंट्स का कहां पर हुआ, ये अहमदाबाद, ये भी गुजरात से बिलोंग करता है, अहमदाबाद आप लोग जानते हैं गुजरात में है। कॉटन मिल वर्कर मूवमेंट था, कॉटन मिल वर्कर मूवमेंट्स क्यों चलाए, ड्यू टू बेगार बेगार और फोर्स लेबर, एज यू से बेगार और फोर्स लेबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेगार, बेगार का मीनिंग क्या होता है, टेकिंग वर्क विद, टेकिंग वर्क विदाउट पेइंग मनी, काम करा लेना किसी व्यक्ति से लेकिन पैसे पे ना करना, दैट इज कॉल्ड बेगार। तो ये जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि कॉटन मिल्स के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो ये कॉटन मिल वर्कर वहां काम कर रहे थे, ब्रिटिश मिल थी ये वहां पर, और उनसे बेगार या फोर्स लेबर जबरन मजदूरी कराई जाती थी, उसके बदले में उन्हें किसी प्रकार का कोई पे नहीं किया जाता था। ऐसी कंडीशंस में महात्मा गांधी जी ने उन किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए मूवमेंट शुरू किया 1918 में। दिस केम टू बी नोन एज अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर मूवमेंट। That have to be question put in board exam. What are the three initial movements started by Gandhiji? तीन movement कौन से हैं जो गांधीजी के द्वारा शुरू किए गए थे, शुरुआती आंदोलन? तो you must have to be explain all these three movements. The first is Champaran Peasants Movement. The second is Kheda Peasant Movement. And third is Ahmedabad Cotton Mill Worker Movement, which was caused due to बेगार or forced labor. That 1919. अब बात करते हैं लोग national movement की। हमारे हिस्टोरियन है जो जनरली ये कहते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत मानते हैं वो 1919 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड नेशनल मूवमेंट। 1919 का जो ईयर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा इंडियन हिस्ट्री में, अगर हम बात करें, दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा नेशनल मूवमेंट को लेड किया गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू नेशनल मूवमेंट 18 के बाद हम बात करेंगे अब 1919 की। कम हियर फेब 1919 रॉयल टैक्स, एज यू नो दैट रॉयल टैक्स, फेब 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपोज एन एक्ट दैट केम टू बी नोन एज रॉयल टैक्स। व्हाट इज रॉयल टैक्स, अब क्वेश्चन आता व्हाट इज रॉयल टैक्स, रॉयल टैक्स क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ रॉयल टैक्स इन नेशनल मूवमेंट, रॉयल टैक्स का क्या रोल था नेशनल मूवमेंट में, रॉयल टैक्स, रॉयल टैक्स क्या था, ये कानून क्या था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया लेकिन इंडियन पीपल इसको डिसलाइक करते थे, इंडियन पीपल ने इसका अपोज किया काफी। व्हाट इज रॉयल टैक्स, मैं बताता हूं रॉयल टैक्स क्या था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सर सिडनी रॉल्ट इसके हेड बने, सर सिडनी रॉल्ट के द्वारा इस एक्ट को चेयर किया गया। एंड यू कैन से अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी इंडियन कैन पुट इन प्रिजन फॉर 2 ईयर विदाउट ट्रेल ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। इस एक्ट के अनुसार किसी भी इंडियन पीपल को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ डाउट और सस्पेंशन, केवल संदेह के आधार पर कि ही इज ए रिवोल्यूशनरी, की क्रांतिकारी है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था तो उसको क्रश करने के लिए एक एक्ट इंपोज किया था। दिस एक्ट केम टू बी रॉल्ट एक्ट, सर सिडनी रॉल्ट के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था रॉल्ट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी इंडियन कैन पुट इन प्रिजन फॉर 2 ईयर्स, देख सकते हैं आप लोग किसी भी इंडियन को पकड़ सकते थे, जेल में डाल सकते थे, 2 साल के लिए कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उसको नहीं रिलीज किया जाएगा।
दिस एक्ट, इस एक्ट ने तो एक तरह से इंडियन लोगों को और ज्यादा विरोधी बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का. ऑल इंडियन पीपल अपोज दिस एक्ट, दे कॉल्ड दिस एक्ट ए ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा भारतीय लोगों ने. दे अपोज दिस एक्ट, उन्होंने विरोध किया जमकर इस एक्ट का. और ऑन दी अर्ज ऑफ महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के अर्ज करने पर फैब में इसको इंप्लीमेंट किया गया था ऑन 6 मार्च, सॉरी ऑन 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 फेब में इसको इंप्लीमेंट किया गया. 6 अप्रैल 1919 को ऑन दी अर्ज ऑफ महात्मा गांधी सी देयर इज आल्सो लेड ए नेशनल मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में इस एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी के अर्ज करने पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में शांतिपूर्वक धरने दिए गए, बहुत ज्यादा विरोध किया गया लेकिन शांतिपूर्वक. गांधी जी ने कहा था कि सत्य अहिंसा के आधार पर ही हमें लड़ाई लड़नी है और हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से भगाना है. तो फेब 1919 के बाद हम बात करें 6 अप्रैल 1919 को ऑन द अर्ज ऑफ गांधी जी सारे के सारे जो इंडियन पीपल थे उन्होंने मिलकर यानी कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुए. लेकिन एक बड़ी ही भयंकर घटना घटित होती है नेक्स्ट वीक में ही 6 अप्रैल 1919 के बाद. हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 का ईयर, पहले बताया मैंने बड़ा इंपोर्टेंट ईयर रहा, बड़ी काफी सारे इंसिडेंट इस ईयर में रही. 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर, कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1919 को. जलियांवाला बाग मैसेकर बहुत ही बड़ा नरसंहार इसको माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में. ऑन द डे ऑफ बैसाखी, बैसाखी के दिन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर इन जलियांवाला बाग टू सेलिब्रेट बैसाखी फेयर, बैसाखी फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे. बट द ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर इम्पोज मार्शल लॉ इन द सिटी, बट पीपल डू नॉट नो व्हाट इज मार्शल लॉ, दे वर गैदरिंग इन जलियांवाला बाग एंड जनरल डायर ऑर्डर टू देयर सोल्जर टू फायर ऑन देम. कहते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया पंजाब के अंदर. लोग नहीं जानते थे कि मार्शल लॉ होता क्या. 13 अप्रैल को वो लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए आए, उन्होंने सोचा हम बैसाखी का फेयर भी सेलिब्रेट करेंगे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति नारेबाजी भी करेंगे, एक पद दो काज हो जाएंगे. लेकिन जनरल डायर ने सोल्जर्स को आदेश दिया टू ओपन फायर करने का, गोलियां चला दी गई और जब तक गोलियां चलाएगी जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास. ऐसा कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इंसिडेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर को माना जाता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट को माना जाता है. बहुत बड़ा इंसिडेंट रहा यहाँ पर, बहुत सारे लोग मारे गए. बाद में इस जनरल डायर को मारा था उधम सिंह ने, शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर इंडियन लोगों की जो ये हत्याकांड था इसका बदला भी लिया था 1919. बट इतना ही पढ़ेंगे हम लोग बड़ी जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था. नेक्स्ट कंटिन्यू इन 1919 खिलाफत कमेटी, यू कैन से खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था. हु वर द पीपल हु फाउंडेड खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी आल्सो रिलेटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी, टू ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली. मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत कमेटी का गठन किया टू स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए. एज यू नो दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार की 1914 to 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला. जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड होता है तो टर्की की हार हो जाती है उसमें, और जो खलीफा था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया या जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने एक ट्रीटी की, ओप्रेसिव ट्रीटी थी ये, कहीं ना कहीं उस खलीफा का अपमान किया. ऐसा कहते हैं कि जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स से उसको अपना रिलीजियस साइड मानते थे, कहीं ना कहीं जब उसका अपमान हुआ तो इंडियन मुस्लिम्स ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए इंडिया में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की. महात्मा गांधी जी आल्सो फेवर दिस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का गांधी जी ने फेवर किया, बिकॉज गांधी जी रिमेंबर दैट टाइम हैड टू बिकम वेन हिंदूज एंड मुस्लिम कैन बी यूनाइट. गांधी जी को लगने लगा था कि अब समय आ चुका कि हम खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ देकर हिंदू मुस्लिम को एक कर सकते हैं. और आप लोग जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है इतने लंबे समय तक, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया तो वो पॉलिसी थी उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो की नीति. कहीं ना कहीं खिलाफत मूवमेंट के द्वारा गांधी जी ने
मुस्लिम्स का समर्थन किया, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स गांधी जी को अपोज करते हैं, लेकिन बाद में वो सहमति करेंगे 1921 में, फिर ये दोनों मूवमेंट मिल जाएंगे, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, यानी कि हिंदू मुस्लिम को एक करने का जो प्रयास किया गया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर 1919, वी हैव टू बी सीन हियर ए लास्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट दैट हैव टू बी टू प्लेस इन 1919। लेट्स कंटिन्यू इन 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एस सहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? नॉट टू कोऑपरेट। इन 1909 गांधी जी रोट ए बुक नेम्ड हिंद स्वराज। हिंद स्वराज दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बुक रिटन बाय गांधी जी। हिंद स्वराज बुक लिखी गांधी जी ने 1909 में। इन दिस बुक गांधी जी आल्सो टेल अबाउट इफ द इंडियन पीपल नॉट टू कोऑपरेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट The big empire of the British may have fallen in some moment। गांधी जी ने कहा नॉन कोऑपरेशन का मतलब है असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने मूवमेंट चलाया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम मूवमेंट चलाएंगे सत्य और अहिंसा के आधार पर। हम लोग अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, आगे हम लोग मूवमेंट को बढ़ाएंगे। और 1909 में पहले ही मूवमेंट तो चला 1920 में, लेकिन 1909 में गांधी जी तो हिंद स्वराज बुक में पहले ही एक्सप्लेन कर चुके थे इस बात को, इफ द इंडियन पीपल डोंट कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट द बिग एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट में फॉल इन सम मूवमेंट। उन्होंने कहा कि यदि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट ना करें इंडियन पीपल, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ही समय में, जो इतना बड़ा सिंहासन भारत में खड़ा किया, वो कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। हिंद स्वराज तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट। सीरीज में कैसे सेपरेट हुआ ये गांव में, किस तरीके से कंट्री साइड में, किस तरीके से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर द प्लांटेशन वर्कर, वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट दिस फोर्थ इंसिडेंट इन 1920s नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड 1921 नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब दोनों मूवमेंट मिल जाते हैं, नॉन कोऑपरेशन भी और खिलाफत मूवमेंट भी। मैंने बताया कि कुछ ब्रिटिशर्स थे और कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे जो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स का साथ दिया जाए, लेकिन वो सारे एग्री हो जाते हैं। बाद में नॉन कोऑपरेशन, इधर से हिंदुओं का मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम्स मूवमेंट था, तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट दोनों मूवमेंट को नाम दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1921 तक जाते जाते ये दोनों हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कहीं ना कहीं सिंबल माने जाते इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से। एंड इन 1922 लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था गांधी जी ने कोल्ड ऑफ कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। क्वेश्चन आता है व्हाई डिड गांधी जी कोल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई डिड गांधी जी हार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद क्यों किया 1922 में? बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ 1922 में। 22 सोल्जर्स बर्नड अलाइव, 22 सोल्जर्स को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी आप मानते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते थे, तो इसी कारण से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कोल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट चोरा।